Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में महंगाई में होशरुबा इजाफा, महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौसम बहार तक अफराती जर में मुसलसल इजाफा जारी रहने का इम्कान। दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% तक बढ़ा। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का ऐलान। हुकाम का कहना है कि 3 मरहलों में पाबंदियां उठाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर जिम और रेस्टोरेंट्स 50% सलाहियत पर खोले जा सकेंगे। टोरंटो में शदीद सर्दी का राज, वीकेंड पर सर्दी की लहर जारी रहेगी। इस वीकेंड पर शहर में हल्की बर्फबारी का इम्कान। वीकेंड पर कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमू तादाद 28,44,912 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 32,008 हो गईं। तर्जमान अफगान वजारत खारजा ने बाइडन का बयान मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने काबुल में सिफारत खाना खोल लिया। पेंटागन ने काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। केसेस की तादाद 34 करोड़ से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 55,95,000 से तजावुज कर गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में महंगाई में होशरुबा इजाफा, महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौसम बहार तक अफराती जर में मुसलसल इजाफा जारी रहने का इम्कान। दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% तक बढ़ा। कनाडा में महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक दिसंबर में अफराते जर की सालाना रफ्तार 1991 के बाद अपनी बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई। एजेंसी का कहना है कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1 साल पहले के मुकाबले में 4.8% जायद था। नवंबर में साल ब साल 4.7% इजाफे के मुकाबले में ये मुताला किया गया। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों, खुराक की लागत को मुतासिर करने वाले सप्लाई चेन के मसाइल और घरों की कीमतों में इजाफे से पता चलता है कि मौसम बहार तक अफराते जर में मुसलसल इजाफा जारी रह सकता है। दिसंबर में कीमतों में इजाफे की वजह खुराक, मुसाफिर गाड़ियों और मकानात की साल ब साल ज्यादा कीमतें थीं। शुमारियात कनाडा का कहना है कि गैसोलीन की कीमतों के अलावा दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% तक बढ़ गया। दिसंबर में गैस पंप्स पर कीमतों में साल ब साल 33.3% इजाफा हुआ, जबकि नवंबर में 43.6% सालाना इजाफा हुआ था, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक सेहत आमा की पाबंदियों को सख्त करना तलब पर तोला गया था। बैंक ऑफ कनाडा ने कहा है कि वो बढ़ती हुई अफराते जर को रोकने के लिए काम करेगा और अगले हफ्ते शरह सूद का ऐलान मुतवक्के है। बुनियादी अफराते जर के लिए 3 इकदाम का औसत, जो कीमतों के बुनियादी दबाव का बेहतर पैमाना समझा जाता है और बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से करीब से ट्रैक किया जाता है, दिसंबर के लिए 2.93% था, जबकि नवंबर में 2.73% था। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। सूबे के प्रीमियर डग पॉट का कहना है कि 3 मराहिल में पाबंदियों में नरमी की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। सूबे के प्रीमियर डग पॉट का कहना है कि 3 मराहिल में पाबंदियों में नरमी की जाएगी। सेहत आमा के इकदाम में बतदरीज नरमी 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जिम और रेस्तरा 50%
सलाहियत पर खोले जा सकेंगे। 21 फरवरी और 14 मार्च को 3 हफ्तों के वक्फों में पाबंदियों में मजीद नरमी की जाएगी। खेलों और कॉन्सर्ट्स के साथ साथ थिएटर भी अपने दरवाजे आधी गुंजाइश या 500 अफराद पर खोल सकते हैं। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि वो सेहत आमा के इकदाम में 3 मरहलों में नरमी का इरादा रखते हैं, जिसका आगाज 31 जनवरी से होगा। प्रीमियर डग फोर्ड ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 5 जनवरी को नाफिज होने वाली पाबंदियों को वापस लेने के लिए सूबे का नुक्ता नजर महतात और बतदरीज होगा। सूबे ने तफसील से बताया कि दोबारा खोलना 3 महीनों के दौरान 3 मराहिल में से हर एक के लिए 21 दिन के साथ होगा। रेस्टोरान, बार्स और दीगर खाने पीने के इदारे बगैर रक्स की सहूलियात के 50% सलाहियत के साथ घर के अंदर काम कर सकेंगे। खुर्दा फरोश बशमूल ग्रोसरी स्टोर्स और फार्मेसी नेस शॉपिंग मॉल्स घर के अंदर 50% सलाहियत के साथ काम कर सकते हैं। खेलों और तफरीही फिटनेस सहूलियात के गैर तमाशाई इलाके बशमूल जिम 50% सलाहियत के साथ घर के अंदर काम कर सकते हैं। 14 मार्च समाजी इज्तिमा की हद 50 अफराद तक बढ़ा दी जाएगी, जिसके अंदर बाहर के इज्तिमात की कोई हद नहीं है। तमाम अंदरूनी अवामी तरतीबात में सलाहियत की हदें उठा ली जाएंगी। दीगर बाकायदा इकदामात के अलावा वैक्सीनेशन का सबूत मौजूदा तरतीबात में बरकरार रखा जाएगा। मजहबी खिदमात, रसूमात या तकरीब पर सलाहियत की बकिया हदें खत्म कर दी जाएंगी। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर सर्दी की लहर जारी रहेगी। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जे हरारत -16 जबकि ज्यादा से ज्यादा -5 रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर सर्दी की लहर जारी रहेगी। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -16 जबकि ज्यादा से ज्यादा -5 रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज दिन के औकात में शहर में हल्की धूप निकलेगी जबकि बर्फबारी का भी इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत -5 जबकि रात के औकात में -8 रहेगा। इतवार के रोज दिन के औकात में शहर में हल्की धूप और बादल छाए रहेंगे जबकि दर्जा हरारत -5 रहेगा। रात के औकात में मतला साफ रहेगा जबकि दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। आइंदा हफ्ते शहर में कम से कम दर्जा हरारत मंगल के रोज 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 8,12,419 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 28,44,912 तक जा पहुंची है जबकि हलाकतें 32,008 हो गईं। मुल्क भर में 24,99,914 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 9,69,437 तक जा पहुंची है जबकि हलाकतों की तादाद 10,726 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 8,12,419 जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 12,541 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 4,59,497 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं जबकि 3,413 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद 3,03,565 है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,505 है। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा ने अमरीकी सदर बाइडन के इस बयान को मुस्तरद किया है जिसमें उनका कहना था कि अफगानिस्तान मुत्तहिद होने की सलाहियत नहीं रखता। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा अब्दुल कहार बल्खी ने अमरीकी सदर बाइडन के इस बयान को मुस्तरद किया है जिसमें उनका कहना था कि अफगानिस्तान मुत्तहिद होने की सलाहियत नहीं रखता। अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहना है कि इख्तलाफ राय गैर मुल्की हमला आवरों ने अपनी बका के लिए पैदा किया। मुत्तहिद कौमें ही हमला आवरों अजीम सल्तनतों के जवाल का सबब बनती हैं। अब्दुल कहार बल्खी का कहना था कि अफगान अवाम ने मुश्तरका इस्लामी अकायद हुब्बुल वतनी के साथ गैर मुल्की हमला आवरों को शिकस्त दी।
अमारत इस्लामी ने मुख्तसर मुद्दत में महदूद वसाइल के साथ मजमू सलामती को यकीनी बनाया, मरकजी हुकूमत कायम की और अफगान कौम को मुतहद किया। वाज़ह रहे कि अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अफगानिस्तान से अफवाज इसलिए वापस बुला ली क्योंकि अफगानिस्तान को एक हुकूमत के तहत मुतहद करना मुमकिन नहीं। पेंटागन ने काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी जिसमें 10 बेगुनाह सिविलियन मारे गए थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की RTI दरख्वास्त पर पेंटागन को ड्रोन हमले की वीडियो जारी करनी पड़ी। 29 अगस्त को अफगानिस्तान से इनखिला के आखिरी मराहिल में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने काबुल के एक घर पर ड्रोन हमला किया था। इस हमले में कई बच्चों समेत 10 शहरी जाबहक हुए थे। अमरीका ने जिम्मेदारों को सजा देने से इनकार कर दिया था। यूरोपीय यूनियन ने काबुल में बाजाब्ता तौर पर सिफारत खाना खोल लिया। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान बराए खारजा उमूर का कहना है कि काबुल में यूरोपीय वक्त की कम अज कम मौजूदगी इंसानी इमदाद की फराहमी में सहूलत और इंसानी सूरत हाल के लिए कायम की गई है। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ मुतअद्दिद मुलाकातों इफहाम व तफहीम के बाद सिफारत खाना खोला गया है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के तर्जुमान पीटर स्ट्यूने का कहना है कि काबुल में यूरोपीय वक्त की कम से कम मौजूदगी को दोबारा कायम करना शुरू कर दिया है। काबुल में यूरोपीय सफारत खाने में यूरोपीय वक्त की कम से कम तैनाती को तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना नहीं समझा जाए। अमेरिका में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 7,05,44,862 हो गई है जबकि 8,83,903 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 34 करोड़ से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 55,95,000 से तजावुज कर गई। 34,35,17,569 अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं जबकि 27,51,19,296 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 7,05,44,862 हो गई जबकि 8,83,903 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना केसेस की मजमुई तादाद 3,85,66,027 से जायद हो गई जबकि 4,88,422 हलाकतें हो चुकी हैं। तुर्की में वायरस से अमवात 85,419 तक जा पहुंची हैं जबकि केसेस 1,07,36,215 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 61वें नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,914 रिपोर्ट हुई हैं जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 6,38,327 तक जा पहुंची है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.